हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। ऐसे भी हाल में ही जेसीसी सीजीएल का एग्जाम है जिसमें रीजनिंग के कुछ 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 6 मित्र हैं, 6 मित्र कौन सा? ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चूंकि यहाँ अगर डायरेक्शन बनाएंगे, अगर हम डायरेक्शन बनाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो पूरब, अगर मान लेते हैं कि सभी व्यक्ति जो है यहाँ कह रहा है कि एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, तो पूर्व की ओर अगर इधर मुख करके सब बैठा हुआ है, ठीक है, सभी व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो इधर लेफ्ट होगा, तो इस साइड राइट होगा। ठीक है, और पूर्व ऊपर की ओर मान के चलेंगे, पूर्व मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, ठीक है, पूर्व मान लेते हैं ईस्ट, ये डायरेक्शन है, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको लेके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। सी जो है ए व ई के मध्य में है, सी जो है ए व ई के मध्य में है, तो ये कह रहा है कि सी जो है ए या ई के मध्य में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हो गया या ई हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ए बन सकता है, सी ए और ई के मध्य में है। बी जो है ई के तुरंत दाएं किंतु डी के बाएं, यहाँ दो स्टेटमेंट है बी के बारे में, दोनों है। बी जो है ई के तुरंत दाएं है और डी के तुरंत कहाँ है? बाएं है। तो लिख देते हैं, अगर ये बी हो गया, ठीक है, अब इधर लेफ्ट होगा, सब तो ऊपर की ओर देख रहा है, अगर इसको लेके चलें तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा क्या? बायां। ठीक है, ये दायां हो गया तो ये बायां हो गया, तो बी ई के तुरंत दायां है, ई के तुरंत दायां है, यानी ई अगर यहाँ लिखेंगे तो तुरंत दायां किधर? राइट साइड में, यानी ई के राइट में बाएं, दायां कौन सा है? बी है, और बी जो है डी के बाएं है, तो डी यहाँ दे देंगे। डी जब यहाँ दे देंगे तो डी के बाएं कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, और ई के दाएं कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। एफ जो है दाएं छोर के अंत में नहीं है, यानी एफ जो है इस साइड में मेरा नहीं होगा, दाएं छोर के अंत में नहीं होगा, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे अंतिम पे नहीं बैठेगा। और टोटल 6 लोग हैं और यहाँ पर कितना है? 3 लोग हो चुके। अब इसको अगर यूज़ करेंगे, ए जो है सी और ई के बीच में बैठा हुआ है, सी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? ए और ई के बीच में सी बैठा हुआ है, तो इसमें तो इधर नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि ई के बाद सी और ए लेंगे, लेकिन यहाँ बी और डी ऑलरेडी है, इसलिए ये तो कंडीशन कैंसिल हो गई, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए सी ई, 5 लोग हो गया, और अंतिम पे 6 लोग ही हैं, यानी एक एफ बच गया, एफ चूंकि इधर नहीं बैठा सकते हैं तो एफ हम इधर बैठाएंगे, तो ये मेरा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ई के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई हो गया, ई यहाँ हो गया, और दायां किधर? इधर हो गया, तो ई के दायां कितना? बी और डी बैठा हुआ है, यानी कि 2 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, बीच में जो है एक्सट्रीम सी और ई बैठा हुआ है, अगर दो इधर छोड़े दो इधर छोड़े, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों एक्सट्रीम पोजिशन, अंतिम पोजिशन पे कौन बैठा हुआ है? एफ और डी बैठा हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है कि ई के दाएं कितने व्यक्ति? ई के दाएं है 2 व्यक्ति, और ई के बाएं पूछता तो आंसर हो जाता 3 3 व्यक्ति, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो कर रहा है बाएं दाएं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 54 + 43 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 60 + 51 इज इक्वल टू 10, एक पैटर्न है इसमें जिसके आधार पर जो है 2 आंसर निकाला गया, यहाँ पर 10 आंसर निकाला गया, इन दोनों में जो पैटर्न का यूज होगा सेम पैटर्न इसमें यूज होगा। ठीक है, तो अब देख लो कि अगर 54 प्लस
अगर इन दोनों को क्या करें, दोनों डिजिट को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 9, और इन दोनों डिजिट को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 7, और डिफरेंस लेते हैं तो होता है कितना, हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन अगर इस सेकेंड वाला को देखते हैं, इस अगर सेकेंड वाले को देखते हैं तो क्या हो जाता है कि दोनों डिजिट को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है 6, और इसको ऐड कर लेते हैं तो 6, और दोनों को डिफरेंस कर देते हैं तो 0, लेकिन यहाँ पर कितना है 10 है, इसलिए ये मेरा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ऐड कर लेते हैं 54, जैसे इसको देखते हैं 54 + 43 को ऐड करते हैं तो आएगा 97। ठीक है, और दोनों डिजिट को है अंतिम डिजिट को जो है इससे माइनस कर देंगे तो 9 - 7 कितना हो जाता है 2, 9 - 7 कितना हो जाता है 2, यहाँ 2 है। इसको अगर लेते हैं ये 60 हो गया, और 51 को ऐड कर लेते हैं तो 111 हो गया। 11 को हम क्या करेंगे, अंतिम डिजिट को माइनस करेंगे, 1 = हो जाएगा 10, तो यहाँ पर है, तो पैटर्न पता नहीं चल गया। तो सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे, ऐड अगर करेंगे तो हो जाएगा 62, और यहाँ हो जाएगा 72, 134, ठीक है 134 हो गया। अब क्या करेंगे, 134 में यानी कि 13 में अंतिम डिजिट 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लूप संख्या को ज्ञात करें, इन दोनों में एक पैटर्न दिया गया है, सेम पैटर्न पे ये होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा हमको निकालना है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये संख्या ऐसे करके यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है इसमें देखें तो कितना +3 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितना 5 से 9 हो जाता है, 4 इंक्रीज कर रहा है, फिर कितना इंक्रीज कर रहा है, 5 इंक्रीज कर रहा है, अब देख लो। फिर अगर इसमें देखें तो सेम हो गया, 3 इंक्रीज कर रहा है, इसमें अगर देख लें तो यहाँ भी 4 इंक्रीज कर रहा है 4, और यहाँ भी जो है 5 इंक्रीज कर रहा है, यानी अल्टरनेट में 3 4 5 इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें 3 सेम होगा, 3 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4 इंक्रीज कराना है, यानी कि 11 + 4 कितना हो गया 15, अगर यहाँ पर 15 होगा तो देख लेते हैं सेम पैटर्न में 5 इंक्रीज करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना होगा 15 होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसी शहर में किसी कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाएं, अंग्रेजी तेलुगु और हिंदी में कम से कम एक भाषा आता है, ये तीनों भाषाएं कम से कम सभी विद्यार्थियों को इन तीनों में से एक भाषा आती है, और 2400 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको अंग्रेजी आती है, 1700 तेलुगु आती है, 800 हिंदी बोल सकते हैं, और 1000 जो है अंग्रेजी और तेलुगु दोनों। तो इस तरह से डाटा दिया है, इसमें निकालना है कि कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। तो ये पहले हम सर्कल्स एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, और ये जो तीनों सर्कल हैं अलग अलग भाषाओं के बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं इंग्लिश को ई से डिनोट करते हैं, तेलुगु को टी से डिनोट करते हैं, हिंदी को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है लास्ट में यहाँ दिया हुआ है 100 तीनों भाषाएं बोल सकती है, तो तीनों में जो कॉमन है ये पोर्शन कितना है 100 है, ये जो है कितना है 100 है, और यहाँ पर कह रहा है कि 1000 अंग्रेजी तथा तेलुगु बोलते हैं, तो अंग्रेजी और तेलुगु का ये पूरा कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा 1000 है, और ये 100 हो गया तो ये कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है, 500 अंग्रेजी और हिंदी है, अंग्रेजी और हिंदी वाला ये वाला है, ये जो है कॉमन यही वाला है, ये ऐसा ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसा है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो ये तीनों 100 इसी में कॉमन है, और जब 500 है अंग्रेजी तथा हिंदी, ये टोटल 500 है और ये 100 है, तो ये कितना होगा बताइए, अंग्रेजी तथा हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी जो है कितना है, ये 500 है,
500 है, कुछ क्वेश्चन में एरर लगता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 500 अंग्रेजी हिंदी और 300 तेलुगु और हिंदी, ठीक है। डेटा दिया है यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 500 अगर यहाँ है तो ये वाला कितना होगा? 400 होगा, 400 होगा। तेलुगु यहाँ एक छूट गया स्टेटमेंट कि तेलुगु और हिंदी जो है बोलने वाले कितने हैं? 300 हैं, और ये है तेलुगु त हिंदी, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा है 300 है तेलुगु त हिंदी में कॉमन, 100 है, तो ये कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 2400 जो है अंग्रेजी बोलते हैं, ये टोटल 2400 जो है अंग्रेजी बोलते हैं, तो और ये पर कितना हो गया? टोटल 2400 है, और ये कितना है? 900 प्लस 100, 1000 प्लस 400, 1400 हो गया। यानी ये जो है अंग्रेजी बोलने वाले, यानी कि 1000 कितना होगा? केवल अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, ठीक है। क्या कि टोटल में से जो है इसमें कुछ अंग्रेजी वाले को छोड़कर एक्स्ट्रा भी शामिल है, तेलुगु भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं, और इसमें जो हिंदी बोलते हैं वो भी शामिल, लेकिन केवल निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल में से ये पार्ट को घटा देंगे तो ये केवल इंग्लिश बोलने वाले निकल जाएंगे। इसी तरह 1700 जो है तेलुगु बोलते हैं, 1700 टोटल तेलुगु बोला, और 900 प्लस 100, 1000 प्लस 12, 200, ये कितना हो गया? 500 हो गया। टोटल 1700 है, और इसको 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 ऐड कर देंगे तो केवल ये पोर्शन बच जाएगा जो तेलुगु बोलेगा, यानी 1700 में अगर 1200 ऐड कर घटा दिए तो 500 मेरा तेलुगु बोलेगा। उसी तरह अगर बोलेंगे यहाँ पर कि 1800 है जो हिंदी बोलते हैं, 800 टोटल हिंदी बोला, तो यहाँ कितना होगा? 4 2 600, 1700, तो यहाँ कितना हो गया? 100 हो गया। तो ऐसा कितना है कि जो तीनों में से एक भाषा मेरा टोटल मिला के अगर देखेंगे तो 3200 कैंडिडेट है। तो अब सबको ऐड करते हैं, अगर 3200 आ गया, यानी कि टोटल का टोटल कोई ना कोई भाषा बोलता है, और नहीं आया 3200, तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो एक भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो इस सभी को ऐड करते हैं। 900 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 1000 और ये प्लस 100, कितना हो जाएगा? 900 प्लस 100, 1000 और ये 1000, सभी को अगर ऐड कर दें हैं तो 900 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 200, 400, 1000, तो हो जाता है कितना? अगर टोटल को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3200। तो 3200 विद्यार्थी भी मेरा है, ठीक है। 3200 जो है टोटल विद्यार्थी 3200 है, और ये 3200 भी निकल गया कि कोई ना कोई भाषा बोलता है, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो एक भी भाषा नहीं बोलता है, यानी कि ए जो है 0 है, यानी 3200 विद्यार्थी थे, और 3200 जो है यहाँ मेरा ऐड करके घटाते हैं तो कितना निकलता है? 0। अगर कम निकलता है तो जो माइनस होता, ठीक है, अगर कम निकलता तो जो माइनस रिमेनिंग बचता वो ऐसा कैंडिडेट्स होता, बच्चे होते जो एक भी भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन टोटल का टोटल तो बोल ही रहे हैं, यानी 0 जो है, यानी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो भाषा को नहीं बोलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।